सेंट्रल यूनिवर्सिटी धेरा संघर्ष समिति ने विरोध का नया तरीका इजाद किया है। बीते वर्ष सेंट्रल यूनिवर्सिटी धेरा का शिलान्यास 21 फरवरी को हुआ था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण 11 वर्षों से अधर में लटका हुआ है। इस बार संघर्ष समिति धेरा ने विरोध स्वरूप 21 फरवरी को वार्षिक श्राद्ध मनाने का निर्णय लिया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी दो धड़ों में बंटी है, लेकिन ना तो निर्माण कार्य धर्मशाला में शुरू हो सके हैं और ना ही धेरा में, जिसके लिए सभी नेताओं को पोस्टकार्ड द्वारा निमंत्रण भेजा गया है। विरोध स्वरूप निमंत्रण धेरा, ज्वालामुखी व जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्रों के पूर्व विधायकों, मौजूदा विधायकों, मंत्रियों, मुख्यमंत्री, सांसद व केंद्रीय मंत्रियों, मानव संसाधन मंत्रालय के पूर्व व मौजूदा मंत्री को भेजा गया है। समिति ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को भी वार्षिक श्राद्ध के लिए निमंत्रण भेजा है। मीटिंग की अध्यक्षता पुजारी मनोज भारद्वाज ने की व पवन बजरंगी, सुशील शर्मा, केवल वालिया, विवेक पठानिया, विकास वालिया मौजूद रहे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा देहरा के लिए जो है वो एक बड़ा पुराना मुद्दा है, और हालांकि 10 साल के संघर्ष के बाद पिछले साल इसी महीने में 21 तारीख को इसका शिलान्यास तो यहां पर हो गया, लेकिन अभी तक एक साल बीत जाने के बाद भी जो है वो धरातल पर एक पैसे का काम नहीं हुआ है। ये बड़ी दुख का विषय है कि दोनों तरफ जो है ऊपर से नीचे तक जो है भाजपा की सरकारें हैं। हमारे जो मौजूदा सांसद हैं वो केंद्र में मंत्री हैं, और यहाँ के जो विधायक हैं वो भी भाजपा के एसोसिएट मेंबर भी हैं और उनके जयराम जी के साथ में हैं, और हमारे अपना देहरा सोटी जी से एक जो है वो अपना कैबिनेट मंत्री हैं और एक योजना आयोग के विधायक जो है वो एक योजना आयोग के चेयरमैन हैं। लेकिन देहरा की आवाज़ को कोई भी, मैं तो समझता हूँ कि अगर तो या तो सरकार तक नहीं पहुँचाता है या उन लोगों की ये नाकामी रही है, क्योंकि इतना पुराना विषय है। हालांकि इसको आज के दौर में हल हो जाना चाहिए था, लेकिन बड़े दुख की बात है कि ये अभी तक जो है वो राजनीति का शिकार हो रहा है, और इससे जो है वो यहाँ की जो छात्रों की जो पढ़ाई है वो बाधित हो रही है, प्रभावित हो रही है। अभाव के कारण जो है यहाँ पर कई छात्र जो है वो शिक्षा से महरूम है। आज की तिथि में जो है सुनने में ये आया है कि ये जो ज़मीन देहरा की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम चयनित हुई थी, वो ज़मीन जो है वो हायर एजुकेशन के नाम कर दी गई है, जबकि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम की जानी चाहिए थी जो HRD के अधीन आता है। तो ये मैं तो समझता हूँ कि अधिकारियों की बहुत बड़ी लापरवाही है, और जानबूझ के, जो मैं समझता हूँ हो सकता है कि जानबूझ के इस विषय को यह लटकाया जा रहा है। तो हम तो सरकार से ये मांग करेंगे, हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी संघर्ष मोर्चा देहरा जो है वो 21 तारीख को विरोध स्वरूप जो एक अपना शिलान्यास का जो है एक साल वार्षिक श्राद्ध मनाने जा रही है, जिसमें हम इलाके के लोगों को यहाँ पर इकट्ठे करेंगे और सभी जो यहाँ पर शिलान्यास करके गए उनको सभी को निमंत्रण पत्र पोस्ट कार्ड के जरिए भेजा गया है, वो भी यहाँ पर उनको वो भी आमंत्रित किए गए, ताकि सरकार के सामने हम ये मांग रखें। और ये पहले भी देहरा का शोषण होता रहा है, और आगे अगर ये जारी रहा तो हमने पहले भी संघर्ष किया है, और आने वाले समय में भी इससे भी बड़ा आंदोलन जो है, हम अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो हम आंदोलन खड़ा करेंगे, और सरकार को देहरा के हितों के साथ अनदेखी नहीं करनी दी जाएगी, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कदम उठाना पड़े, और हम जो है उसको पूरा करेंगे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए देहरा से अश्वनी कुमार की रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।